morning, students. Till now, we studied many chemical reactions. Let's reconsider few of them. Burning of coal, carbon reacts with oxygen, forms carbon dioxide. When we heated up zinc carbonate, zinc oxide is formed along with carbon dioxide. Iron reacts with copper sulfate and forms iron sulfate along with copper. But now look at these examples. They all are chemical reactions, but there is something different between them. Here, carbon and oxygen are combining together to form a single product. And this one, zinc carbonate is breaking down into two components. Here, iron is displacing copper to form iron sulfate. That means chemical reactions can take place in many ways. And today, we are going to study about types of chemical reactions. Many chemical reactions have been mentioned in your NCERT book: combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, redox reaction, exothermic reaction, endothermic reaction, and so on. We are going to study all of them one by one. First reaction is combination reaction. Naam se samajh mein aa raha hai, something is combining, combination, right? And the examples that we have done earlier is combination of carbon and oxygen gives you carbon dioxide. So we can define combination reaction as a type of reaction in which two reactants are combining together to form a single product. Other example can be Mg, magnesium, reacts with oxygen, forms magnesium oxide, right? Then Na plus Cl2 will give you NaCl. Balance kare to ye 2 aa jayega yahan pe. Not only that, कैल्शियम ऑक्साइड, ये एग्जाम्पल भी हमने किया था जिसे क्विकलाइम कहते हैं. क्विकलाइम रिएक्ट करता है वाटर के साथ और बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. हीट भी लिबरेट होती है. ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसे हम स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं. क्या कहते हैं? स्लेक्ट. बेटा जो ये स्लेक्ट लाइम है वो व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स के लिए यूज होता है. ठीक है, नेक्स्ट जो हमें करना है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. आपने इससे पहले डीकम्पोज वर्ड सुना हुआ होगा. ठीक है, और डीकम्पोज करने का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर वंस. डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट? मेनी मोर एग्जाम्पल्स आई विल प्रोवाइड यू इन नोट्स. अभी फिलहाल के लिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझा रही हूँ. इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम यू आर फ्री टू आस्क. ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि एक जो है कि रिएक्टेंट ब्रेक डाउन करेगा डिफरेंट प्रोडक्ट्स में. फॉर एग्जाम्पल हमने अभी देखा था जिंक कार्बोनेट का, उसको हीटअप किया तो हमें क्या मिला? जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? एक ही रिएक्टेंट है बट प्रोडक्ट हमारे पास दो आए. बेटा एक चीज और ख्याल रखना, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं. एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया था. एक्सोथर्मिक आर द वन जिसमें हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक आर द वन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है. इनको जो है कि हीट एब्जॉर्ब होती है तब जाके जो ये डीकम्पोज करते हैं. जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है 3 टाइप्स का होता है: थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटोलिसिस. थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करें तो जब हम किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी कंपाउंड को जो है हीटअप करते हैं और वो डिकम्पोज हो तो उसको क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन. फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास. कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगा. तो ये हीट करने के बाद जब भी हीटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व हो डीकम्पोजिशन में तो उसको हम क्या कहेंगे? थर्मल डीकम्पोजिशन कहेंगे. जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करके जो है कि हम किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर कंपाउंड में, सिंपलर प्रोडक्ट्स में, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. जैसे वाटर का अगर इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए तो हमें जो है मिलेगा H2+O2. चार है यहाँ पे, तो इसको किया.
तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करके जो है डिकम्पोजिशन हो तो हम उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट आपका आता है फोटोलिसिस। फोटो यानी कि लाइट, ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, यानी कि लाइट की प्रेजेंस की वजह से अगर कोई भी डिकम्पोजिशन हो तो वो क्या हो जाएगा, फोटोलिसिस। और इसका एग्जाम्पल होता है AgCl को जब ब्रेक लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है ये, तो Ag मतलब Ag प्लस Cl2 जो है ये बनाता है। इसको जो है कि बैलेंस करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। यानी कि जब भी लाइट की प्रेजेंस में कोई भी चीज ब्रेक डाउन कर रही हो तो उसको हम क्या कहेंगे, फोटोलिसिस। तीनों में डिफरेंस क्या है, थर्मल में हीट करने की वजह से डिकम्पोजिशन होगा, इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से डिकम्पोजिशन होगा, और फोटोलिसिस में जो है कि लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन होगा। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आपने जो है कि डिकम्पोजिशन के टाइप्स पढ़ा, जिसमें क्या क्या था, थर्मल डिकम्पोजिशन था, इलेक्ट्रोलिसिस था और फोटोलिसिस था। इलेक्ट्रोलिसिस को हम थोड़ा और अच्छे से एक एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट वी हैव टू डू इन दिस एक्टिविटी इज टेक अ मार्क, प्लास्टिक मार्क, एंड दो होल्स जो है ड्रिल करने हैं एट द बेस ऑफ द मार्क, और वहां पे अटैच करने हैं रबर स्टॉपर्स। ठीक है, वो रबर स्टॉपर्स अटैच करने के बाद जो है उसमें इलेक्ट्रोड्स जो है इंसर्ट करते हैं, जो कि ग्रेफाइट रॉड्स होंगे। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स लेकर के जो है इसमें इंसर्ट करना है। इसमें इंसर्ट करने के बाद हमें क्या करना है कि इन इलेक्ट्रोड्स को जो है एक 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। जो टर्मिनल नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, कैथोड, और जो टर्मिनल पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट होगा उसको क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। अभी जो है कि कनेक्शन कर तो दिया हमने, लेकिन जो है कि स्विच को ऑफ मोड में रखना है, ऑन नहीं करना है। इसके बाद क्या करना है, मग में वाटर पोर करना है। बेटा इसमें वाटर इतना ऐड करना है कि जो ये ग्रेफाइट रॉड्स हैं दे गॉट इमर्स्ड इनटू द वाटर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड करना है। क्यों ऐड करना है ये थोड़ी देर में बताती हूँ। फिर क्या करना है, दो टेस्ट ट्यूब लो, उसमें वाटर फिल करो। वाटर फिल करने के बाद इसको जो है कि इन्वर्ट कर दो, और कहाँ पे रखो, इधर पे रखो, ये जो ग्रेफाइट रॉड्स हैं इनमें रखने के बाद जो है कि क्या करो, कनेक्शन को ऑन करो, दैट इज स्विच ऑन करो। स्विच ऑन करने के बाद जो भी सेटअप हमने किया हुआ है उसको एज इट इज बिना डिस्टर्ब किए कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। आफ्टर सम टाइम्स वी विल ऑब्जर्व दैट दोनों ही इलेक्ट्रोड्स की तरफ जो है हमें बबल्स देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम बर्निंग कैंडल को जो है कैथोड की तरफ लेकर के आएंगे तो यहाँ पे हमें पॉप साउंड सुनने को मिलेगा। दैट पॉप साउंड इंडिकेट्स दैट कि कैथोड की तरफ जो है वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। और अगर वही बर्निंग कैंडल जो है हम एनोड की तरफ लेकर के आएंगे तो वो बर्न जो कैंडल है और भी ब्राइटर फ्लेम के साथ जो है बर्न करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो है ऑक्सीजन गैस जो है वो लिबरेट हो रहा है। ठीक है बेटा, उसके बाद अब ये हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है और जो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है वो उनका रेशियो जो होगा 2:1 को होगा। अब 2:1 का होने का पर्पस ये है कि H2O देखा जाए तो वाटर में जो है दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन का है और एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन का है। इन दैट वे जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है वो 2 times होगी और ऑक्सीजन गैस जो रिलीज हो रही है वो 1 होगी। ठीक है, इसके अलावा एक पर्पस था सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करने का, वो सिर्फ इसलिए था कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो फुली जो है आयनाइज हो सकता है, एच पॉजिटिव आयन्स जो है वो रिलीज कर सकता है, और एच पॉजिटिव आयन्स रिलीज होने की वजह से जो हमारा वाटर है वो और भी कंडक्टिंग हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है आसानी से कैरी आउट किया जा सकता है। अब इसके बाद जो है हम फोटोलाइसिस को भी थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। कल आपको जो मैंने एग्जांपल दिया था फोटोलिसिस का वो था कि आपने सिल्वर क्लोराइड को जो है AgCl जो था वो लाइट की प्रेजेंस में जो है Ag प्लस Cl2 ऐसे जो है ब्रेक डाउन किया था। अब जो आज हम जो एग्जांपल देखेंगे वो है सिल्वर ब्रोमाइड का 2AgBr। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में जब ये डिकम्पोज होगा फोटोलाइसिस, लाइट की प्रेजेंस में जब ये डिकम्पोज होगा तो अगेन हमें सिल्वर मिलेगा और ब्रोमीन मिलेगा। ठीक है बेटा, इसको ऐसे किया तो जो है आपने इसको बैलेंस किया। नाउ ये जो फोटोलाइसिस हो रहा है सिल्वर ब्रोमाइड का
वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी।